ये प्राचीन गौतम नाग मारतंड का ऋषि गौतम की तपस्थली। नमस्कार, आज हम मटन क्षेत्र में मारतंड क्षेत्र में गौतम ऋषि के आश्रम आए हैं, जिसे गौतम नाग के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे ऋषि गौतम ने तपस्या की है और उन्हीं के नाम से ये प्रचलित जगह है गौतम नाग। ये पवित्र जलकुंड गौतम ऋषि का है और इसी गौतम नाग परिसर में ये माता काली का मंदिर है वृक्ष के नीचे, और ये पवित्र जलकुंड साथ में। ये पवित्र गौतम नाग, ये देखिए पवित्र जल ऊपर से आ रहा है इस कुंड में, और यहाँ पे प्राचीन शिवलिंग है जिसका निरंतर अभिषेक हो रहा है। ये देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए अति सुंदर मनमोहक नाग। ये आज गौतम नाग में आज हवन हुआ है और ये देखिए श्रद्धालु जन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं आज। ये देखिए श्रद्धालु जन, और पूर्ण आहुति हवन की हो चुकी है। और यहाँ पे पंडित जी है, पंडित जी यहाँ की महिमा के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम भवानी है, भवानी पंडित, मैं मारतंड का रहने वाला हूँ। और यहाँ जो गौतम नाग जी हैं ये तो हमारे मारतंड के नज़दीक पड़ते हैं, और अनंत नाग जो है हमारा पुण्य तीर्थ मारतंड और अनंत नाग के बीच में ये स्थान है, ये गौतम ऋषि जी का स्थान है जहाँ पर गौतम ऋषि ने बहुत समय तक तपस्या की है, और गौतम नाग के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर वर्ष गौतम एकादशी जो होती है उस दिन यहाँ हवन वगैरह होता है। ये सदियों से, प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है, और यहाँ के जो महंत जी हैं माधवदास जी इस समय जो है वो यहाँ का प्रबंध पूरा करते हैं, और हर वर्ष यहाँ हवन वगैरह भंडारा होता है, और भंडारे के लिए जो यात्रीगण यहाँ पर आते हैं हवन में शमूलियत करने के लिए, यहाँ पर पूर्ण आहुति होती है, और पूर्ण आहुति में यहाँ सैकड़ों के लोग तादाद में लोग होते हैं, और फिर प्रसाद वितरण होता है, प्रसाद देते हैं यहाँ पर, तो भगवान का नवेद लेके सब प्रभु की कृपा से यहाँ आशीर्वाद पाके गौतम ऋषि जी का और महंत जी का, तो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये सदा से चला आ रहा है, गौतम ऋषि का स्थान है, ये बहुत प्राचीन काल से है, जब से कोई सृष्टि का आगाज हुआ होगा, जब से सृष्टि बनी होगी तो गौतम ऋषि जी ही यहाँ पर विश्राम करते थे और यहाँ तपस्या करते थे। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हवन कुंड, और श्रद्धालु जन यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हुए। यहाँ राम दरबार है, आज बहुत बड़ा शुभ अवसर है, आज गौतम नाग अष्टमी है। ये गौतम ऋषि का तपस्थली है, गौतम ऋषि ने यहाँ तपस्या किया था, और इनके साथ में जो है ना अहिल्या माता है गौतम ऋषि के साथ में। ये है अहिल्या माता जी और ऋषि गौतम। हाँ, ये प्राचीन काल में यहाँ निवास करते थे, तपस्या करते थे, तो इनका आज जन्मदिन है गौतम ऋषि जी का, गौतम ऋषि का, तो इनका आज भंडारा भी है, और पहले तो हवन पूजन आरती फिर भंडारा प्रसाद का प्रोग्राम या हर साल होता है। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे, ये यहाँ पे माता दुर्गा, इसका अखंड ज्योत जलता है, माता आ गया जी, अखंड ज्योत के साथ ही प्रकाश हुआ। ये भगवान शिव और माता पार्वती, और ये यहाँ पे राम दरबार, ये देखिए अति सुंदर। ये यहाँ पे साधु जनों की चित्र बने हुए हैं। ये यहाँ स्वामी जी
रहते थे सर्वानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, और ये अति सुंदर ऋषि गौतम और माता अहिल्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये इसी गौतम नाग परिसर में बहुत बड़ा वृक्ष है बूंज का, जिसे चिनार भी कहा जाता है, और इसी वृक्ष के अंदर एक शिवलिंग है अद्भुत। ये देखिए इस वृक्ष के अंदर का दृश्य कितना मनमोहक है। भगवान शंकर यहाँ विराजमान है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये देखिए किस प्रकार से सुंदर सा प्राकृतिक मंदिर इस बूंज वृक्ष के अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये इस पूरे मंदिर का, ये पूरे इस मंदिर का परिसर, ये देखिए, ये पुराना द्वार था इस मंदिर में आने का, ये देखिए। और ये आसपास का इस मंदिर का परिसर, ये श्रद्धालु जन प्रसाद ग्रहण करते हुए, ये देखिए